हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं केटीएस से विवेक आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, कवि साटेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली हम होल्डिंग की बात करने वाले हैं। जो होल्डिंग है वो चाहे रिले की होल्डिंग हो, चाहे लॉजिक की होल्डिंग हो, चाहे कॉन्टैक्टर की होल्डिंग हो, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम होल्डिंग करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम देख सकते हैं हमने जो सॉफ्टवेयर खोला हुआ है मिशुबिशी का PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर GXWorks 2। तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक सा लॉजिक बनाते हैं। उस बेसिक से लॉजिक में हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या प्रॉब्लम आती थी, हमें होल्डिंग की नीड क्यों। तो हमने एक NC कॉन्टैक्ट लिया, एक NO कॉन्टैक्ट ले लेते हम, और एक कॉइल ले लेंगे जिसको कि हम फिर कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद, कंपाइल कर लिया, अब हम इसे PLC प्रोग्राम में को PLC के अंदर डालते हैं। एक सिमुलेटर ऑन करके उसके अंदर डाल देते हैं। तो हम फर्स्टली देखते हैं ये जो NC और NO कॉन्टैक्ट है हमारा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा। नॉर्मली क्लोज पुश बटन की तरह, NC पुश बटन की तरह बिहेव करेगा, या NO पुश बटन की तरह बिहेव। जैसे ही मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो इसमें जैसे इसकी वैल्यू को मैं ऑन करूँगा, तो मेरा कॉइल की आउटपुट हाई हो जाएगी। कॉइल को आउटपुट मिल गई, कॉइल ऑन हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा तो कॉइल भी मेरा ऑफ हो गया। तो जैसे मैं इसे ऑन रखता हूँ जितनी देर के लिए, उतनी देर के लिए ऑन होता है, अदरवाइज ये ऑफ हो जाता है। तो मेरा सेम इसी तरीके से पुश बटन काम करता है। जब तक मैं उसे दबा के रखता हूँ मेरी रिले ऑन रहती है, और जब मैं उसे छोड़ता हूँ तो रिले ऑफ हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये क्या, जब तक कि हम NO पुश बटन को दबाए और छोड़ दे तो मेरा आउटपुट ऑन ही रहे, तो उसे कहते हैं हम होल्डिंग। तो होल्डिंग में क्या होता है, उसके लिए हम इसको फिर से एडिट मोड में चलते हैं और लॉजिक लिखते हैं। उस लॉजिक के अंदर हमने क्या, एक NO कॉन्टैक्ट लगा दिया, और जिस कॉइल को हमने ऑन किया उसी का हमने NO कॉन्टैक्ट लगा दिया। फिर से कंपाइल कर लिया, कंपाइल करके मैं सिमुलेटर में लोड कर देता हूँ। लोड करने के बाद देखते हैं हम क्या होता है। लोड करने के बाद जैसे ही होगा, अब क्या होगा, ये NC पुश बटन है, ये NO पुश बटन है, अज्यूम ऐसा करता हूँ मैं, और इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। इट मीन्स मैं पुश बटन को दबाता हूँ, ऑन करता हूँ, तो मेरी कॉइल हो गई ऑन। जैसे मैं उसे छोड़ा, पुश बटन को छोड़ा, मेरी कॉइल ऑन ही रह गई। अब इस कॉइल को ऑफ करने के लिए मैं NC पुश बटन का यूज़ करूँगा। NC पुश बटन को जैसे ही मैं ऑन करूँगा, कॉइल हो गई ऑफ। ऑफ करूँगा, ये अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ गया। अब मुझे कॉइल ऑन करनी है, तो मैं एक बार पुश बटन NO पुश बटन ऑन कर दूंगा, कॉइल मेरी हो गई ऑन। और अगर मैं पुश बटन को प्रेस करने के बाद छोड़ दूंगा तो भी मेरी कॉइल ऑन रहेगी। तो इसे कहते हैं बेसिकली होल्डिंग। होल्डिंग का हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, एक कॉमन कॉन्टैक्ट उठाया हमने, कॉमन कॉन्टैक्ट यहाँ से उठाया, और उस कॉइल, जिस कॉइल को हमने ऑन किया, उसका एक NO कॉन्टैक्ट जिस भी पुश बटन या जिस भी इनपुट को होल्ड करना है उसके पैरेलल में लगा दिया। इस तरीके से लॉजिक के अंदर होल्डिंग होती है। और सेम यही प्रिंसिपल हम रिले के अंदर भी अप्लाई करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, उस चीज़ को भी देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, रिले होल्डिंग के पार्ट टू में आपका स्वागत है। इसमें मैं हार्डवेयर के कनेक्शन दिखाऊंगा। बेसिकली एक MCB, NO, NC स्विच, NC पुश बटन और रिले का यूज़ किया हमने इसमें। लेकिन रिले के बेसिक कनेक्शन के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, कि उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या कनेक्शन होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, क्यों होता है, कैसे हमें पता चलता है, सब चीज़ हमने उसमें बता रखी है। तो इसमें हमने कनेक्शन बना लिए हैं, तो मैं ये कनेक्शन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कॉइल पर कनेक्शन किया, कॉइल पे कनेक्शन करने के बाद अब पूरे कनेक्शन हो चुके हैं, बेसिक कनेक्शन। अब मैं MCB ऑन करता हूँ। MCB ऑन करने के बाद पुश बटन मैं जैसे ही प्रेस करूँगा, रिले ऑन तो होगी, ऑन होती है, देखिए ऑन हो गई।
आप, लेकिन वो ऑन नहीं रह रही, मैं जैसे रिलीज कर रहा हूँ ऑफ हो जा रही है, तो मैं ऑन रेगुलर रखना चाहता हूँ, इसलिए वो होल्डिंग करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, मैं कॉन्टेक्टर वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि मैं कॉन्टेक्टर में करता हूँ, कॉमन कॉइल की सप्लाई देता हूँ कॉमन पे। तो क्या कॉमन से मेरे को कॉइल पे रेगुलरली सप्लाई मिल रही है, तो मैं कनेक्शन कर देता हूँ। अब क्या हुआ, कनेक्शन मैंने कर दिया, अब मेरे को एक लाइव वायर चाहिए जो कि मैं एनसी पुश बटन के आउटपुट से लूँगा, या एनसी पुश बटन के आउटपुट से लूँगा, या एनओ पुश बटन के इनपुट से लूँगा। वो लाइव वायर पे दूंगा रिले के एनओ पॉइंट पे। उससे क्या होगा, जैसा कॉन्टेक्टर में होता है, रिले में भी क्या होगा, जैसे मैं एनओ पॉइंट से दूंगा कॉमन पे, कनेक्शन आ जाएगा। मैं जैसे ही कनेक्शन करता हूँ, इससे क्या होगा, जैसे मैं पुश बटन ऑन करूँगा, रिले हो गई ऑन, रिले ऑन होते ही एनओ पॉइंट क्या हो गया, एनसी चेंज हो गया। एनसी जैसे ही चेंज हुआ तो मेरे को रेगुलरली लाइव कनेक्शन मिलना चालू हो गया, वो कॉमन पे मिलेगा, कॉमन से कॉइल पे मिल जाएगा, तो रिले मेरी ऑन हो जाएगी। तो ये बेसिक काम था जो कि हो रहा है यहाँ पे। आपको अगर समझ नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। कॉमन पे आएगा एनओ पॉइंट से, क्योंकि एनओ पॉइंट एनसी हो जाता है। तो मैं प्रेस करता हूँ पुश बटन, ऑन किया, अब एनओ पुश देखिए ऑन हो गया। अब मेरे को ऑफ करने के लिए एनसी पुश देखिए टिक हो गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो होल्डिंग इस तरीके से वो रेगुलर ऑन रह रही है। तो ये हमारा होल्डिंग के बारे में था, होपफुली आपको अच्छा लगा। अगर रिले के बारे में देखना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर रिले से रिलेटेड है तो वो वीडियो, होल्डिंग के लिए यहाँ पे, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, पता चल सके क्या। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।